किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और पंजाब ने अपने किसान नेताओं के लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी तैयार किया है। इस आलिशान जगह को देखकर आप ही हैरान रह जाएंगे। पंजाब के लोगों के बारे में कहा जाता है कि पंजाब के लोग जिंदा दिल होते हैं। वहाँ एक पंच लाइन बड़ी मशहूर है पंजाब में, दब के वाह ते राज के खा। दब के वाह मतलब मजदूर की तरह पंजाब के लोग मेहनत करते हैं और राज के खा मतलब राजा की तरह जिंदगी जीते हैं। तो पंजाब के लोगों का ये संस्कृति है, उनका रहना सहना है। और पंजाब के लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत इनोवेटिव और बहुत क्रिएटिव होते हैं। उसका नमूना हम सिंघू बॉर्डर पर देख रहे हैं, जहां ये धरने पर हजारों लाखों लोग बैठे हैं अपने मकसद के लिए, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उस जगह पे हमें बताया गया कि ऐसी भी ये एक तरह से जहां लोग सड़क पर सोए हुए हैं, सड़क के किनारे पर रात गुजारते हैं। इस जगह को आप देखिए, ये एक ट्रक है, एक ट्रक है जिसको पूरी तरह से एक लग्जरी ट्रक के रूप में बदला गया है। देखिए ये सोफे हैं, यहाँ बैठकर किसान नेताओं की मीटिंग होती है, यहाँ नहाने की जगह है, मेकअप के लिए, और बाथरूम है, एलईडी लगी हुई, आपको दिखाते हैं। देखिए ये कोई ड्राइंग रूम नहीं है, ये एक ट्रक है जिसको ड्राइंग रूम का रूप दिया गया है। ये एलईडी देखिए आपके सामने एलईडी लगी हुई है, ये गद्दे हैं यहाँ सोने के लिए, मीटिंग करने के लिए ट्रक है, किसान नेता मीटिंग करते हैं। और आपको दिखाऊं अंदर, ये बाथरूम है, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए ये जगह बनी हुई है। तो ड्राइवर के पीछे की जो साइड होती है, इसको बाथरूम और फ्रेश होने की जगह बनाई गई है, यहाँ नहा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी जगह है सड़क पर जहां किसान लेटे हुए हैं, मिट्टी धूल उड़ती है, उसके बीच में इसी धरना स्थल पर एक ऐसा ट्रक है जिसको एक खूबसूरत दफ्तर का रूप दिया गया है। बीजेपी अपनी जित ते अड़े आ, इस करके पहला लंगर का प्रबंध किया। फिर दो दिन तो बाद असी सारा इत्थे पंजाब ट्रक तैयार कराया, क्योंकि सानू मीटिंग करने विच कोई हिसाब किताब करन बहुत दिक्कत आउंदी, बहन विच बहुत महसूस होंदा, बाहर शोर शराबा। फिर असी उत्थे तीन चार दिन लगे, ट्रक पूरा ए रेडी कराया, सानू पता साढ़े वालों पवन महीना लग जाए, छे महीने लग जाए, साल लग जाए, अभी पूरा प्रबंध करके आए हैं। कोई इदा नहीं कि असी हफ्ते जो उठ जाना जो इदा है, सरकारों आ मनना पैना, फैसला लेना पैना। इस करके सानू पता भवन साल लग जाए, हम सर्दियाँ तुम्हें पता बहुत बहुत ज़्यादा ठंड वा, इतने बह के किसान जथेबंदी साढ़े आते हैं, सारी मीटिंग करते, सारा असी आए, पूरा प्रबंध किया उन्होंने जी। अच्छा अज 25वां दिन है अंदोलन का, 25 दिन हो गए, जिदा सरकार जी बैठे लोग मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कह रहे कि एक दो दिन फैसला होगा, अज इस तरह के मीडिया च बयान आएगी, एक दो दिन सॉर्ट आउट हो जाएगा मसला, तुहानू लग रहा है कि नेड़े लग गया मामला? हाँ जी हुणा तो चाहिए, असं उम्मीदा तो बहुत लग बैठे साढ़े वालों, भावें अजे हो जाए सॉर्ट आउट, अभी तो यह दुआ करते हैं कि अजे हो जाए सॉर्ट आउट। पर जिदा लगता रोक ढंग लगता बीजेपी सरकार का, देखो ये कदों मनती है, और साढ़े लखां दे हिसाब नाल आ रहे हैं लोग, लगता कल परसों जो दो तीन दिन होर ना मनी घट 2 लाख बंदा होर आ जाना पंजाब चो। पंजाब के बहुत सारे लोग, हम हरियाणा वालों से बात करी, हरियाणा के लोग भी, हरियाणा के लोग भी आ कहने हैं कि पंजाब वाले का बहुत जड़ा साडा वड्डा भरा है पंजाब, पंजाब के किसानों ने हिम्मत दिखाई है कि इतने तक आ दे, उन्हें दे पीछे फिर यूपी वाले, हरियाणा वाले होर भी आ रहे हैं, तो पंजाब वाले फ्रंट लाइन की लड़ाई लड़ रहे हैं अगे रह के अगले मोर्चे से। नहीं ये जी इदा जी पंजाब वाले फ्रंट लाइन तो जरूर आ, ये दूसरे नंबर पर किसान भाई जेड़े अपने हरियाणा के आ, उन्होंने मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के साड़ी हेल्प की, सहयोग दिता है। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आज 25वां दिन आंदोलन का है। ये लोग यहाँ पर बैठे थे, तमाम तरह की दिक्कतें थी, मिट्टी धूल, खाने की, नहाने की, बीमारी की, मौसम जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, इन्होंने एक ऐसा इजाद किया है, इससे दूसरे लोग भी सीख सकते हैं कि जरूरत के वक्त आदमी को इनोवेटिव होना चाहिए। तो धरना स्थल पर एक ट्रक को देखिए किस तरीके से एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बदला गया है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।